हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग गुड एट योर प्लेस। अम मोनिका फ्रॉम अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैसरगढ़। इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.6, दैट्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। तो पिछली क्लास में हमने जो लार्ज नंबर की मल्टीप्लाई करना सीखा, और आज हम जो मल्टीप्लाई की थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.7। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर गोल्ड डिपॉजिट्स रेट 48,290 इन हिज बैंक अकाउंट एवरी मंथ। हाउ मच मनी विल ही हैव आफ्टर 2 ईयर्स? जो मिस्टर गोल है वो डिपॉजिट करता है, मतलब जमा करवाता है 48,290 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट में। ठीक है, एवरी मंथ हमें क्या फाइंड करना है, 2 ईयर्स में उसके कितने डिपॉजिट होंगे ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 ईयर्स में कितने मंथ होंगे आप बताओ? 1 मंथ में, 1 ईयर में मंथ होते हैं 12, तो 2 ईयर्स में कितने होंगे? 2 ईयर्स में होंगे 24, 12 मल्टीपल बाय 2, दैट्स 24। तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 मंथ का जो डिपॉजिट रेट हमें दे रखा है और हमें 24 मंथ्स का फाइंड करना है। ठीक है, जो 1 मंथ का डेटा हमें दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 को। सी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या राइट करोगे पहले आप? मिस्टर गोल्ड डिपॉजिट रेट्स इन हिज बैंक इन एवरी मंथ इज इक्वल टू रेट्स 48,290 एंड नेक्स्ट मिस्टर गोल हैव रेट्स इन 2 ईयर्स, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फॉर देश वी मल्टीपल 48,290 बाय 24, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए कितने मंथ हो जाएंगे, 24। देन वी मल्टीप्लाई 24 बाय 48,290, तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, देखो 400, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 0। नेक्स्ट 4 9 36 का क्या आएगा यहाँ पे, 6 और 3 आगे नेक्स्ट नंबर में ऐड हो जाएगा, 4 2 8 एंड 3 को ऐड करना है ना हमें, 8 में 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 11 का यहाँ पे राइट करेंगे 1 और 1 की कैरी लग जाएगी। देन 4 8 32 और 32 + 1 33 का यहाँ पे 3 नेक्स्ट नंबर में ऐड हो जाएगा, 4 4 16 और 3 17 14 18, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 और 3 19, यहाँ पे राइट आगे कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 का 19। ओके, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई 4 से, फिर हमें करनी है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, 2 एग्जिट ऑन 10th प्लेस, देन फर्स्ट वी राइट 0, तो 1s वाले प्लेस के लिए हम क्या राइट करेंगे, 0, एंड फिर अभी हम स्टार्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई।
टू की जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, देन टू नाइन जा एटीन, एटीन का क्या आ जाएगा एट, एंड वन एड ऑन नेक्स्ट नंबर टू टू जा फोर एंड वन फाइव, नेक्स्ट टू एट जा सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स एंड नेक्स्ट टू फोर जा एट और वन नाइन, और फिर इन नंबर को ऐड करेंगे, फिर जो फोर से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे और यहाँ पे टू से, फिर इनको ऐड करेंगे, ठीक है। जीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सिक्स प्लस ज़ीरो इज़ सिक्स, एट प्लस वन इज़ नाइन, फाइव प्लस थ्री इज एट एंड नेक्स्ट सिक्स प्लस नाइन इज़ फिफ्टीन, नाइन प्लस वन इज टेन एंड वन कैरी इज इलेवन। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर नाउ? तो इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करनी है इन क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिस्टर कपूर बॉट 15,346 चेयर्स फॉर द ऑडिटोरियम। इफ़ ईच चेयर कॉस्ट रेट 398, हाउ मच मनी डिड मिस्टर कपूर पे टू द शॉपकीपर। जो मिस्टर कपूर है वो, उसने क्या ली? चेयर्स, ठीक है, कहाँ के लिए? ऑडिटोरियम्स के लिए। ऑडिटोरियम्स मीन्स एक बिग हॉल जहाँ पे कोई प्रोग्राम फंक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ के लिए चेयर्स कितनी ली? 15,346। नेक्स्ट, इफ ईच चेयर कॉस्ट रेट, ईच चेयर्स का हमें कॉस्ट रेट दे रखा है 398, देन हाउ मच मनी डिड मिस्टर कपूर पे टू द शॉपकीपर। अब मिस्टर कपूर को कितने पैसे देने होंगे शॉपकीपर को, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वन चेयर का कॉस्ट रेट कितना है? 398, और टोटल चेयर्स कितनी है? 15,346। ओके, देन इफ वी मल्टीप्लाई बोथ नंबर देन वी फाइंड टोटल पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ चेयर फॉर ऑडिटोरियम दैट इज 15,346, कॉस्ट रेट ऑफ ईच चेयर इज रेट्स 398, टोटल मनी पे टू शॉपकीपर। फॉर दिस वी मल्टीपल 15,346 by 398। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी फाइंड दिस रेट। ओके, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखनी है नोटबुक में 15,346 को 398 से, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए, देन वी फाइंड दिस रिजल्ट। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, ए सेट ऑफ बुक्स कॉस्ट रेट 1459, स्कूल ऑर्डर 375 सेट, हाउ मच डिड द स्कूल पे। सेम क्वेश्चन एज ए थर्ड, तो यहाँ पे क्या करना है, एक सेट है बुक्स का, उसका कॉस्ट रेट कितना है? 1459, तो हमने कितनी ऑर्डर करनी है? जो स्कूल है वो कितनी ऑर्डर कर रहा है? 375 सेट। वन सेट का कॉस्ट रेट ये है, तो हमें फाइंड करना है 375 का। इन बोथ नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फर्स्ट यू राइट ए सेट ऑफ बुक्स कॉस्ट रेट 1459, स्कूल ऑर्डर बुक सेट 375, देन
on third line you write total pay by the school, then you multiply 1459 by 375, then we find total result. Next question, for third question, do yourself. Fourth question, and Mr. Justin Orchard, there are 1958 rows of trees with 208 trees, it means 208 trees in each rows. How many trees does he have altogether? जो मिस्टर जस्टिन है वहाँ पे जो ट्रीज है उसके यहाँ, तो वहाँ पे रो कितनी है ट्रीज की 1958, और वन रो में कितने ट्रीज है 208, तो हमें टोटल जो ट्रीज है उनको फाइंड करना है. ठीक है, इफ़ यू मल्टीपल 1958 बाय 208, then we find total trees. See here, number of rows of trees, that is 1958, and number of trees in each row, it given, that is 208, and next number of total trees, for total trees we multiply 1958 by 208. तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे करनी है. फर्स्ट वी राइट 1958 एंड देन 208, एट वन जा एट इज 64, 64 का क्या राइट करेंगे 4. नेक्स्ट 8 5 जा 40 और 6 कितना हो जाएगा 46, 46 का यहाँ पे क्या राइट करेंगे 6 और 4 ऐड होगा नेक्स्ट नंबर में. 8 9 जा 72, 72 और नंबर कितना रह गया था पीछे 4 इज 76, 76 का क्या राइट करेंगे 6. नेक्स्ट 8 1 जा 8 एंड वी एड 7, दैट वी फाइंड 15. ओके, तो ये मल्टीप्लाई होगी हमारी 8 से. नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय 0. अब किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 ही आएगा. तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑन वंस प्लेस वी टेक 0 एंड नेक्स्ट 40 राइट हियर. तो 0 कौन से प्लेस पे है, ये वाला 0 टेंस प्लेस पे है, इसलिए वंस वाले प्लेस पे 0 होगा. और नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे, तो वंस और टेंस वाले प्लेस पे क्या आ जाएगी 0. और फिर हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे 2 से. 2 8 जा 16, 16 का क्या आएगा 6. नेक्स्ट 1 ऐड ऑन नेक्स्ट नंबर, 2 5 जा 10 और 1 11, 11 का 1 एंड 1 ऐड ऑन नेक्स्ट नंबर, 9 2 जा 2 9 जा 18 एंड 1 19, 19 का 9. नेक्स्ट 2 1 जा 2 एंड 1 इज 3 एंड देन वी ऐड दी नंबर, फर्स्ट 4 देन 6 एंड देन 6 प्लस 6 इज 12, 12 का क्या आएगा 2 एंड 1 ऑन ऐड ऑन नेक्स्ट नंबर,
5 plus 1, 6 and 1, 7. Next, 9 plus 1 is 10. 10 ka 0 and 1 add on next number. That is 4. Okay. It is clear now. Next question. A book has 236 pages. If 1135 copies of the book were printed, how many pages in all were printed? तो ये क्वेश्चन फिफ्थ. एक बुक पेज कितने हैं? 236. तो हमें क्या करानी है? प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो उसकी कॉपीज कितनी है? 1135 कॉपीज ऑफ बुक्स वर प्रिंटेड. हाउ मैनी पेज इन ऑल वर प्रिंटेड. टोटल पेज के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1135 बाय 236. तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? टोटल पेजेस दैट वी प्रिंट. इट क्वेश्चन डू योर सेल्फ. ओके स्टूडेंट, ये आपको फिफ्थ पार्ट अपने आप करना है. सेम प्रोसेस है जैसे हमने ये फोर क्वेश्चन किए वैसे. एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट. इट्स योर होमवर्क एंड स्टे होम and stay safe.